हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइडल। माय सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम चैप्टर टू सेक्शन 2.4 में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम थ्योरम 2.18 प्रूव करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। बच्चों देखो, द थ्योरम इज कि इफ वी एंड डब्ल्यू आर टू वेक्टर स्पेसेस और दोनों फाइनाइट डायमेंशनल है। फाइनाइट डायमेंशनल मतलब इनके जो बेसिस हैं उनके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो इनके जो बेसिस दे रखे हैं, वी का बेसिस है बीटा और डब्ल्यू का बेसिस है गामा। ठीक है, आपको पता है इस सेक्शन में हम इनवर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो टी हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले ली। अब हम देख रहे हैं कि टी कब इन्वर्टिबल होगा। तो टी इन्वर्टिबल सिर्फ तभी होगा इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है, जब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स आप निकालेंगे ना, वो इन्वर्टिबल आ जाए। मतलब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल कब होगी, जब उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स होगा वो इन्वर्टिबल हो। एक तो आपने डेफिनेशन करी कि इन्वर्टिबल के लिए आपको एक और ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, से यू सच दैट यू टी इक्वल टू टी यू इक्वल टू आई, दैट वॉज द डेफिनेशन। अब आप इन्वर्टिबल प्रूफ करने का और एक तरीका देख रहे हैं। वो क्या तरीका है कि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होना चाहिए, फिर आप जो टी इन्वर्टिबल है इट मीन्स टी इनवर्स एग्जिस्ट। तो अब आप टी इनवर्स का मैट्रिक्स निकालिए या टी का मैट्रिक्स निकालकर उसका इन्वर्स कर दीजिए, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों आपके बराबर आएंगे। समझ में आ रही है आपको मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये टी इनवर्स मतलब टी इन्वर्टिबल है तो टी इनवर्स एग्जिस्ट करता है जो उसका इनवर्स है। तो टी इनवर्स का मैट्रिक्स निकालें या फिर आप टी का मैट्रिक्स जो ये वाला ही है, टी का मैट्रिक्स निकालें और उसका इन्वर्स कर दें, दोनों आपको सेम आंसर देंगे। दिस इज वट वी हैव टू प्रूव इन दिस थ्योरम एंड द स्टेटमेंट इज इफ एंड ओनली इफ। तो एक कन्वर्स भी प्रूव करना है। सो वट एवर इज गिवन टू अस, हमने पहले वो लिख लिया कि हमें वी और डब्ल्यू दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस मिले हुए हैं, उन दोनों के हमें एक एक बेसिस मिला हुआ है और हमने ले लिया कि टी इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वी टू डब्ल्यू। मैं शो करूंगी कि इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है, टी का जो मैट्रिक्स है विद रिलेटिव टू गामा जो है, दैट इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे को बेटा इन्वर्टिबल दे रखा है, इन्वर्टिबल है और वी फाइनाइट डायमेंशनल है और डब्ल्यू भी फाइनाइट डायमेंशनल है। तो इससे पहले आपने एक लेमा प्रूफ किया था इससे पहले वाली क्लास में। तो जो लेमा आपने प्रूफ किया था उसमें आपने क्या प्रूफ किया था कि वी और डब्ल्यू दोनों अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैं और आपको एक इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिली हुई है, तो डायमेंशन वी जो होगा वो डायमेंशन डब्ल्यू के बराबर होगा। ये आपने इससे पहले वाले लेक्चर में लेमा में प्रूफ किया। तो हमारा आ गया बेटा डायमेंशन वी इक्वल टू डायमेंशन डब्ल्यू। तो अब मैंने मान लिया कि डायमेंशन वी जो है एन है। ठीक है, तो इसका मतलब वी का जो बेसिस है बीटा, उसके पास एन एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, अब आपने क्या किया, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन को कंसीडर किया, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स बनाया। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स बना उसका नाम हमने आई वी रखा, विद रिस्पेक्ट टू बीटा आपने बनाया। अब आई को यू कैन ऑलवेज राइट डाउन टी इनवर्स टी। ठीक है, तो हमने क्यों, क्योंकि अगर टी इन्वर्टिबल हमने ले रखा है क्वेश्चन में, देखो सिंस टी इज इन्वर्टिबल इट मीन्स टी इनवर्स एग्जिस्ट, और टी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो टी इनवर्स टी आपका आइडेंटिटी होगा। तो मैंने आई वी की जगह टी इनवर्स टी लिख लिया। ठीक है, अब टी इनवर्स टी है, आपको ने ये भी पढ़ा हुआ है कि दो उसका यू टी का अगर आप मैट्रिक्स लेते हैं दैट इज इक्वल टू यू इंटू टी, दोनों के मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये थ्योरम 2.11 में आपने पढ़ा था। तो मैंने इसका वही काम यहाँ पे किया, टी इनवर्स और टी जो है इन दोनों के अलग अलग मैट्रिक्स ले लिए। अब ये आप देख सकते हैं कि ये बीटा गामा या गामा बीटा कैसे आएगा। आप देख सकते हैं कि टी जो है मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक सेकेंड मैं सिखा देती हूँ। टी इज फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, वी का बेसिस है बीटा, इसका बेसिस है गामा। तो आप इसका जो मैट्रिक्स मिलेगा उसमें डोमेन का हमेशा नीचे लिखते हैं बेसिस, को डोमेन का ऊपर लिखते हैं, तो इससे तो मिलेगा टी बीटा गामा। अब टी इनवर्स हो जाएगी डब्ल्यू से वी पर, टी इसका गामा है बेसिस, इसका बीटा है, तो इसका जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, नीचे गामा और ऊपर बीटा। आप इस नोटेशन को बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने किया हुआ है, तो ये वहीं से आया है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अब सेम तरीके से बेटा आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन हमने डब्ल्यू टू डब्ल्यू वेक्टर स्पेस ले ली, तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो है आई डब्ल्यू बीटा आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स, अब आई को मैं आई डब्ल्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, टी इंटू टी इनवर्स। आपको पता है ये भी मैंने सिखा रखा है, टी इंटू टी इनवर्स आई डब्ल्यू कैसे आ रहा है और टी टी इनवर्स इंटू टी आई कैसे बी कैसे आ रहा है। देखो, जब आप टी इंटू टी इनवर्स कर रहे हैं तो टी इनवर्स कहाँ से जा रहा है, डब्ल्यू टू वी ना। ठीक है, तो ये डब्ल्यू टू वी गया पहले,
और फिर उसके ऊपर टी लगाओगे, टी कहाँ से जा रहा है, वी से डब्ल्यू पे, तो फाइनली डब्ल्यू से डब्ल्यू पे गया, तो टी टी इनवर्स गया मेरा डब्ल्यू से डब्ल्यू पर, तो टी टी इनवर्स मेरा जो आएगा दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी इन डब्ल्यू। और सेम तरीके से टी इनवर्स टी जो होगा वो वी से वी के ऊपर मैपिंग है, तो टी इनवर्स टी जो आएगा वो मेरी आइडेंटिटी इन वी वेक्टर स्पेस आएगी। क्लियर है सबको? तो वही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ कर ली कि आई डब्ल्यू मेरा टी इंटू टी इनवर्स के बराबर होगा। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग कर लिया, सेम यही थ्योरम 2.11 यूज़ करके आपने कि यू टी का जो मैट्रिक्स होता है दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ यू एंड मैट्रिक्स टी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया। तो अब आप ये देखो, आपने प्रूफ किया कि टी इनवर्स इंटू टी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड टी इंटू टी इनवर्स इज आइडेंटिटी। तो इससे मुझे क्या पता चल गया कि मैट्रिक्स टी इज इन्वर्टिबल, और साथ में हमें ये भी पता चल गया जैसे आप लिखते हो ना ए इनवर्स इज इक्वल टू ये होगा, तो वो वाली चीज़ भी आपकी बाय डेफिनेशन प्रूफ हो गई। जैसे मैं ये दोबारा सिखा दूँ, देखो अगर आप प्रूफ कर देते हैं ए बी इक्वल टू आई एंड बी ए इक्वल टू आई, तो हम लिख सकते हैं एंड वी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो ए इनवर्स इक्वल टू बी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर ये टी है और ये टी इनवर्स है और ये आइडेंटिटी है, ऐसे ही बी की जगह पे टी इनवर्स और ए की जगह पे टी है, आइडेंटिटी है, तो आप ए इनवर्स यानी कि टी का जो इनवर्स होगा उसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब इसके ऊपर बीटा गामा जो लगाने हैं वो लगा लेना। ठीक है, तो ये वहां से आपका प्रूफ हो गया। तो हमने एक साइड तो प्रूफ कर दिया, अब हम इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे कि अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी इन्वर्टिबल होगी। तो हमने ले लिया कि सपोज दिस मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, मुझे शो करना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी जो होगी वो मेरी इन्वर्टिबल है। तो हमने कहा कि अगर ऐसा है कि ये मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल है, तो ए इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब जो इसका इन्वर्स है सपोज वो बी है, तो वो क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई एन, ये तो डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमने इसमें बीटा बेसिस ले लिया एक वी वन वी टू वी एन और गामा बेसिस ले लिया डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू एन, ये हमारे को क्वेश्चन में गिवन है तो हमने उनके वैल्यूज लिख ली। ठीक है, अब आप देखिए जो आपका ये वी वन वी टू वी एन है ये किसका बेसिस बना रहा है, वेक्टर स्पेस वी का बना रहा है ना। देखो बीटा इज अ बेसिस ऑफ वी, इसका मतलब बाय द डेफिनेशन ऑफ बेसिस वी इक्वल टू स्पैन ऑफ बीटा, यानी कि स्पैन ऑफ वी वन वी टू वी एन। ठीक है, इसका मतलब अगर अब मेरे पास कोई और एलिमेंट वी का आ जाता है, सपोज कर लो वी जे डैश आ जाता है, तो वी जे डैश बिलोंग्स टू वी विच इज इक्वल टू स्पैन ऑफ वी वन वी टू वी एन, तो इसका मतलब वी जे डैश कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स, कौन कौन से, वी वन वी टू वी एन, तो डेफिनेशन ही है। तो वी जे डैश के लिए हमारे पास कुछ स्केलर्स आ जाएंगे, ठीक है, और वो साथ में वी जे ये जो भी आपके वी आईज हैं इनका मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है तो मैंने वही बनाया वी जे डैश इज इक्वल टू सिग्मा बी आई जे वी आई बिलोंग्स टू वी। ठीक है, ये वी जे डैश जो है वी में है इसलिए हमने इसको ऐसा लिख लिया। सेम काम आपने गामा के लिए करना है बेटा, गामा क्या है आपका डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू एन, और ये क्या है बेसिस है डब्ल्यू का, और ये जो नए एलिमेंट्स हमारे पास हैं वी जे डैश जो हमें मिले हैं वी वन डैश वी टू डैश वी एन डैश, ये सारे वी के एलिमेंट हैं, तो हमारे पास क्या होगा एक यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी यू फ्रॉम वी टू डब्ल्यू सच दैट यू ऑफ वी जे इज इक्वल टू वी जे डैश। ऐसा क्यों होगा, मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों यूज़ किया, रिकॉल कीजिए थ्योरम 2.6 मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। थ्योरम 2.6 आपको क्या कह रही थी कि v और w अगर दो वेक्टर स्पेसेस हैं और उसमें आपको v का बेसिस मालूम है v1 v2 vn, तो हमारे को कोई भी w1 w2 wn जो कि w के एलिमेंट्स होंगे उन सब के लिए हमें एक ही एग्जैक्टली वन देयर एग्जिस्ट यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम v टू w सच दैट t ऑफ vi इज इक्वल टू wi। अब इस vi की जगह पे मैंने wj लिखा हुआ है और ट्रांसफॉर्मेशन टी की जगह हमने यू का इस्तेमाल किया हुआ है और वी जे डैश की जगह पे हम डब्ल्यू आई की जगह पे हमने वी जे डैश का इस्तेमाल किया हुआ है। तो दिस थ्योरम 2.6 इज बीइंग अप्लाइड हेयर। अब ये वी जे डैश की वैल्यू जो अभी अभी आपकी ऊपर आई थी, ये वाली आई थी ना वी जे डैश की वैल्यू, ये वैल्यू आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया सबको। तो अब आप देखो इसका मतलब क्या हुआ कि यू के ऊपर जब आपने बेसिस एलिमेंट को अप्लाई किया तो वो इस तरीके से आपके पास आ गया, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बीटा आ गया। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, कोऑर्डिनेट वेक्टर बन रहा है। ये कोऑर्डिनेट वेक्टर के अंदर कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, बी आई जे के एलिमेंट आ जाएंगे जो कि बी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके देंगे। तो इसका मतलब यू ऑफ गामा बीटा इज इक्वल टू
बीटा, ये कैसे आया मैट्रिक्स ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू बीटा? आपने ऐसे नीचे गामा लिखा ऊपर बीटा लिखा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि यू के ऊपर जो एलिमेंट ऑपरेट किए डोमेन के, वो कौन से थे? डब्ल्यू जे, यानी कि बेसिस एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू थे, बेसिस एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू यानी कि गामा से एलिमेंट आए थे, तो इसलिए नीचे डोमेन का बेसिस आता है तो डोमेन का बेसिस हो गया गामा, ऊपर कोडोमेन का आता है तो ऊपर हमने कोडोमेन का आपके वी वन वी टू वी एन का लीनियर कॉम्बिनेशन बना था जो कि बीटा के एलिमेंट्स थे, इसलिए ऊपर बीटा आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको ये तो पता ही है कि यू टी ऑफ बीटा कैन बी रिटन एज दिस, ठीक है, अभी ऊपर भी दिखाया था आपको कौन सी थ्योरम थी वो वाली, ठीक है। अब यू का जो मैट्रिक्स आया वो बी आ गया, और जो टी का मैट्रिक्स है वो कौन सा है? ए। तो मेरा बी ए किसके बराबर है? आई एन के बराबर है। क्यों? क्योंकि ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स था, अगर ए इन्वर्टिबल था तो उसका इन्वर्स हमने बी माना था, तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई था, तो यहाँ पे आई एन आ जाएगा। अब आई एन मैंने आपको सिखाया था ऊपर कि किस तरीके से हमने इसको आई, उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स था उसमें वो वी के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा था, ठीक है, तो आई वी ऑफ बीटा आ गया ये, तो यू टी इक्वल टू आई वी आ गया। बिल्कुल सेम तरीके से आप टी यू को भी शो कर सकते हैं कि वो आई डब्ल्यू है, तो टी यू को पहले हमने थ्योरम लगा के टी इंटू यू अलग अलग कर लिया। अब टी का मैट्रिक्स ए है, यू का मैट्रिक्स बी है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई है आपके पास, तो ये आई आई एन आ गया आपके पास। यहाँ पे देख लेना डब्ल्यू में कितने एलिमेंट्स थे, हमने कितने लिए हैं दोनों के, एन ही लिए हुए, तो आई एन ही आएगा आपके पास, ठीक है ना। चलिए अब टी यू इक्वल टू यू टी इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया, तो ये टी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, टी इज इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गया, तो वी कैन राइट डाउन टी इनवर्स इक्वल टू यू। सो ये हमारी एक अच्छी थ्योरम थी। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल मैं आपको आज होमवर्क में दे रही हूँ, देखो। लेट बीटा एंड गामा बी द स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस ऑफ पी वन आर एंड आर स्क्वायर। ये सेम मैट्रिक्स, ये सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जाम्पल नंबर वन में मैंने आपको करवा रखी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल वन में हमने ये प्रूफ किया था कि इसका जो इन्वर्स है वो ये है, जब आपको याद हो तो मैंने इस टी इनवर्स को यू मान लिया था, और यू टी इक्वल टू टी यू इक्वल टू आई शो करके हमने इसको इनवर्स शो कर दिया था, और साथ में इसका मैट्रिक्स भी निकाला। टी इनवर्स भी निकाल सकते हैं आप, सब बच्चों को मैट्रिक्स आते हैं निकालने, टी और टी इनवर्स दोनों आपको दे रखी हैं, दोनों के स्टैंडर्ड बेसिस भी आपको मालूम है, ठीक है। अब आपको सिर्फ ये प्रूफ करना है कि जो ये मेरे मैट्रिक्स निकल कर आते हैं उसमें ये चीज़ आपके लिए नहीं, ठीक है। टी इनवर्स इज इक्वल टू टी, ये आपको प्रूफ करना है कि टी इनवर्स का मैं मैट्रिक्स लूँ या टी मैट्रिक्स का इनवर्स लूँ, दोनों मुझे सेम आंसर देते हैं। तो ये आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ, मैंने लिख दिया है आपका कि टी मैट्रिक्स क्या होगा और टी इनवर्स का जो मैट्रिक्स है कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स वो क्या होगा, फिर दोनों को एक मल्टीप्लाई करके आपने दिखा दिया कि ये दोनों एक दूसरे की आइडेंटिटी दे रहे हैं, तो एक दूसरे के इनवर्स, ठीक है बच्चों, ये आप अपने आप करेंगे। अब इसकी एक कॉरोलरी देख लीजिए, लेट बी बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस विद ऑर्डर्ड बेसिस बीटा, ठीक है, टी इज फ्रॉम वी टू वी। देखो ऊपर जो किया आपने थ्योरम 2.18 में और इसमें क्या डिफरेंस है, वहां पे टी इज फ्रॉम वी टू डब्ल्यू था, वी और डब्ल्यू दोनों फाइनाइट डायमेंशनल थे, दोनों के अलग अलग बेसिस थे। अब यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम ले लिए, जब दोनों सेम ले लिए तो वी फाइनाइट डायमेंशनल भी है और एक ही बेसिस की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना। तो अब फिर से वही चीज है, देन टी इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। बिल्कुल सेम है, आपको यही लिखना है कि ऊपर की जो थ्योरम आपने प्रूफ करी है उसमें अगर हम बी को डब्ल्यू ले लें और बीटा को गामा ले लेंगे तो ये सेम ही रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। सो करोलरी वन इज क्वाइट ऑब्वियस। करोलरी टू देखेंगे बच्चों, करोलरी टू है लेट ए बी एनी एन बाय एन मैट्रिक्स, ठीक है, देन ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ दिस एल ए इज इन्वर्टिबल। मैंने ये टर्म आपको शायद इंट्रोड्यूस नहीं करी है एल ए, तो मैं पहले आपको ये बता दूं, एल ए मतलब लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन है, पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं और फिर देखेंगे कि कैसे एल ए इनवर्स एल ऑफ ए इनवर्स के बराबर है। तो सबसे पहले रिकॉल कर लें एल ए, देखो ए क्या है, कोई भी आपको एम बाय एन मैट्रिक्स अगर आपको दे रखा है, किसी भी जो एंट्रीज जो मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज है वो किसी भी फील्ड एफ से आ सकती है। तो एल ए क्या चीज़ है, ये एक मैपिंग है, कहाँ से कहाँ की मैपिंग है आप खुद सोचें जरा। ए अगर एम बाय एन मैट्रिक्स है तो मैपिंग होगी एफ एन से एफ एम पर। आपको याद है मैंने आपको सिखा रखा है कि इफ इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो कोडोमेन के बेसिस एलिमेंट पहले लिखते हैं और फिर डोमेन के बेसिस एलिमेंट लिखते हैं, वो ऑर्डर बनता है मैट्रिक्स का। याद है आपको मैंने सिखाया हुआ है टी इज फ्रॉम आर एन टू आर एम अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप अब इसका मैट्रिक्स टी बनाएंगे, ठीक है, टी इसका मान लो बेसिस बीटा, इसका गामा है, तो इसका जो बनेगा आपका मैट्रिक्स टी बीटा गामा बनेगा, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? क्या सिखाया है? पहले इसकी डायमेंशन लेंगे, डायमेंशन ऑफ आर एम क्रॉस डायमेंशन ऑफ आर एन, ये इसका बेसिस होगा। आर एम का डायमेंशन एम, आर एन की डायमेंशन एन, तो मैट्रिक्स बनेगा एम क्रॉस एन,
तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि ए अगर एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी वो एफ एन से एफ एम पे जाएगी, और उसको डिफाइन हमने कैसे किया, एल ए। अब एफ एन के एलिमेंट क्या होंगे, जैसे सपोज ये आर एन है, ठीक है, तो एफ एन के एलिमेंट क्या है, सेट ऑफ ऑल एन टपल्स, और एफ एम के एलिमेंट क्या होंगे, सेट ऑफ ऑल एम टपल्स। टपल्स का मीनिंग समझ आ रहा है सब बच्चों को, देखो ए वन ए टू ए एन ये एन टपल है, ए वन ए टू ए एम लिखूंगी तो ये एम टपल है, ठीक है, एम टपल ये वर्ड यूज किया है, और एन टपल, ठीक है, ये वर्ड यूज किया है। तो यहाँ पे देखो इसका जो भी एलिमेंट है वो एन टपल फॉर्म का है, तो मैंने उसका नाम एक्स रख दिया, तो एल ए ऑफ एक्स होता है मेरा ए एक्स, ठीक है। तो द मैट्रिक्स प्रोडक्ट ऑफ ए एंड एक्स फॉर ईच कॉलम वेक्टर एक्स बिलोंग्स टू एफ एन, तो ये हमने एल ए की डेफिनेशन दी है। इस एल ए को हम बोलते हैं लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, सो दिस एल स्टैंड फॉर लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने पहले आपको ये बता दिया कि एल ए का मीनिंग क्या है, अब आपको प्रूफ क्या करना है, ये देखो एल ए, ये जो एल ए दे रखा है ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसका इन्वर्स क्या होगा, एल ए का इन्वर्स, तो वो ये हो गया एल ए का इन्वर्स। तो वो कह रहा है कि एल ए का इन्वर्स निकालें या ए का इन्वर्स निकाल कर एल ऑपरेट किया है उसके ऊपर वो लें आप, तो दोनों का मीनिंग सेम होगा, ये हमें प्रूफ करना है। अब इसके प्रूफ को देखिए, ए हमें एन बाय एन मैट्रिक्स दे रखा है, एल ए मैंने आपको समझा दिया, अब यहाँ पे देखो ए एन बाय एन है तो डोमेन और कोडोमेन दोनों बराबर हो जाएंगे, तो एल ए इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एफ एन टू एफ एन डिफाइंड एज एल एक्स इज इक्वल टू ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ एन, ठीक है, ये हो गया क्लियर। ऐसे ही हमने क्या करना है, अब इसका एक बीटा ले लिया बेसिस एफ एन का, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स निकाला आपने, तो अब डोमेन और कोडोमेन बराबर है, तो नीचे आपको पता है डोमेन का बेसिस आता है और ऊपर की तरफ कोडोमेन का बेसिस आता है, तो दोनों बीटा बीटा हो गए, तो मैं एक सिंगल बीटा भी लिख सकती हूँ। तो इसका जो ये बेसिस मुझे दे रखा है ये ए दे रखा, सॉरी इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है वो ए दे रखा है, ये देख रहे हो ना आप, ए इज एन बाय एन मैट्रिक्स और एल ए का ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का दे रखा है, तो इसका जो बेस मैट्रिक्स है कॉरेस्पॉन्डिंग वो ए है। अब इसके ऊपर जो हमने थ्योरम 2.18 करी थी उसकी कॉरोलरी के अंदर आपने देखा था, कॉरोलरी 1 जो थी उसके अंदर हमारे डोमेन और कोडोमेन दोनों बराबर हो गए थे, यही फर्क था ना बस, बाकी तो सब सेम था, तो हमने वो कॉरोलरी यहाँ लगाई, ठीक है, मैं कॉरोलरी को दोबारा रिवाइज भी करा दिया यहाँ पे लेके, ये कॉरोलरी लिखी हुई है कि दोनों अगर फाइनाइट डायमेंशनल है तो एक ही बेसिस की जरूरत है, तो अगर टी लीनियर है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स भी लीनियर होगा और उसका कन्वर्स भी ट्रू है। तो अब हमारे पास आ गया, इसमें हमने क्या करना है, इस पूरी डेफिनेशन में ये जो कॉरोलरी मैंने लिखी हुई है टी की जगह एल ए कर दो, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी की जगह एल ए आया तो एल ए इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अब बी की जगह एफ एन कर दो, एल ए इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एफ एन टू एफ एन, तो यहाँ पे टी की जगह पे एल ए बीटा आ जाएगा, तो एल ए बीटा इज इन्वर्टिबल, यही आ जाएगा ना आपके पास इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एल ए इज इन्वर्टिबल। तो हमने रिप्लेस किया टी को एल ए से, तो हमारे पास आ गया एल ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है ए, तो ए इज इन्वर्टिबल आ गया, ठीक है। अब मुझे प्रूफ करना रह गया क्या, कि ये एल ए इनवर्स पे निकालो या एल ए लेके इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स निकालो, दोनों सेम है। तो देखो मैंने दोनों का क्या किया, आपने एल ए एल ए इनवर्स को कंसीडर किया और उसके ऊपर मैट्रिक्स एक्स कोई भी वेक्टर ले लिया, एफ एन एफ एन का कोई भी वेक्टर ले लिया, उसको ऑपरेट किया, तो कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स आपको यही कहती है कि पहले पीछे ये वाली लगेगी इसके ऊपर, तो हमने कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स का इस्तेमाल किया। अब डेफिनेशन रिकॉल करो एल ए की क्या थी, वही सेम एल ए इनवर्स पे लगाएंगे तो ये क्या दे देगा मुझे, एल ए इनवर्स दे, ये एल ए इनवर्स ए इनवर्स एक्स दे देगा। कैसे आया ये देखो बेटा, एल ए ऑफ एक्स होता है ए एक्स, तो एल ए इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, ए इनवर्स एक्स, ठीक है, तो वही इस्तेमाल किया। अब फिर से एल ए की डेफिनेशन लगाओ, ये जो सबस्क्रिप्ट इसका ए है ये पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए इंटू ए इनवर्स आ जाएगा। अब एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी होता है तो आई एक्स आ जाएगा। सेम तरीके से बेटा आप दूसरी साइड भी कर सकते हैं, एल ए इनवर्स इंटू एल ए, देखो एल ए इनवर्स इंटू एल ए का किया, पहले एल ए और एक्स को ऑपरेट किया तो ए एक्स आ गया, अब ये ए इनवर्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, ठीक है, तो ए इनवर्स इंटू ए एक्स आ गया, ए इनवर्स ए आइडेंटिटी होता है आपका तो आई एक्स आ गया। तो आपने शो कर दिया एल ए इनवर्स इज इक्वल टू एल ए, यानी कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, इसका मतलब एल ए का जो इनवर्स आएगा वो क्या निकल कर आएगा, एल ए इनवर्स आएगा, ठीक है बेटा। ये कैसे लिखती हूँ मैं आपको, ये समझ आ रही है बात, देखो ए बी अगर आई आ जाता है तो इस इट मीन्स बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो अगर आपका ये एल ए है और ये आपका एल ए इनवर्स है
इक्वल टू आई है, आप दोनों ही चीजें लिख सकते हैं, ए इनवर्स को बी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका ये अगर ए है ये अगर बी है तो ए इनवर्स इक्वल टू बी अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, ए इनवर्स मतलब एल ए का इनवर्स इक्वल टू बी, बी क्या है आपका ये एल ए, ठीक है सबको समझ आ गया। तो ये थी बेटा आपकी करोलरी यहाँ पे, तो आप ये देख लीजिए आपके पास आ गया आंसर, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में तो मुझे देख लेती हूँ इतना ही कराना, नेक्स्ट क्लास में आपको बेटा आइसोमॉर्फिज्म स्टार्ट कराऊंगी, ठीक है। तो नया टॉपिक लेके स्टार्ट करेंगे है सेक्शन 2.4 का ही। तो आज की क्लास बेटा मैं यहीं वाइंड अप कर रही हूँ, तो आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।